हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में मैं आर्ट से हटके थोड़ी सी अलग बात करूँगी। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं कुछ ऐसा पीछे वॉइस ओवर दूँ जो और आर्ट से जो अलग लोग हैं उनको भी किसी न किसी वे में इम्पैक्ट करे। सो जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा वो यही था कि मैं एक अच्छा सा अपने आर्ट की वीडियो के पीछे ही वॉइस ओवर दूँ और उसी को फिर आगे बढ़ाया जाए, देखो कैसे बनता है। बट मुझे पक्का नहीं है कि क्या चीज़ इसका क्या रिस्पांस रहेगा। मुझे रिस्पांस के लिए नहीं करना, मुझे ये इसलिए करना क्योंकि मैं ट्राई करना चाह रही थी। तो अब ऐसा है कि अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस अपनी स्टोरीज में डालूँ कि मुझे कोई क्वेश्चंस दो ये वो, तो ऐसे कोई नहीं देता है ना। तो मैंने AI का थोड़ा सा यूज़ किया है एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए हैं। उनमें से जो मुझे बेस्ट डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन लगेगा एंड जो और भी लोग रिलेट कर पाएंगे उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। बट अगर आप लोग ने अपना कोई क्वेश्चन डालना है तो प्लीज़ कमेंट्स वगैरह में डाल देना, तो जैसे ही मुझे मौका लगेगा मैं उनको आंसर कर दिया करूँगी। तो मुझे तो कंटेंट चाहिए जैसे मर्ज़ी आए। क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे मिले थे इमोशन से रिलेटेड, और मेरा मेन पॉइंट यही था कि मैं इमोशन से रिलेटेड ही बात करूँ बिकॉज वो चीज़ है जो हर कोई उससे रिलेट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हाउ डू यू नेविगेट चैलेंजिंग इमोशंस इन योर एवरीडे लाइफ, कि आप अपने चैलेंजिंग इमोशंस के साथ कैसे डील करते हो रोज़। तो लेट्स टॉक ऑन दिस नाउ। अब इसका आंसर AI जनरेटेड नहीं है, इसका आंसर जो मैं रेगुलरली फील करती हूँ और जैसे मैं डील करती हूँ मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँगी। तो इसमें ये रहता है कि जैसे हर रोज़ तो हंसी नहीं आती, हर रोज़ तो खुशी नहीं आती। आज से कुछ टाइम पहले तो ये भी था कि मैं ना, मतलब वो नहीं होता कि रोलर कोस्टर है बिल्कुल एकदम अचानक से ऊपर जा रहे, एकदम अचानक से नीचे, अचानक से इतनी खुशी और अचानक से इतनी, पता नहीं ऐसे लगता था कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता था और मैं इसको ऐसे कोई नाम नहीं दूंगी, डिप्रेशन मुझे नहीं पता क्या होता है वो, ठीक है। पर ये है कि था यार काफ़ी, मेरे को बचपन से ऐसे ही रहा है कि जब मैं एक सेकंड के लिए तो इतना खुश हो जाती हूँ और थोड़े टाइम के बाद फिर मेरे को अचानक डर लगने लग जाता है कि वही खुशी कहीं दूर ना हो जाइए वो, वैसे ऐसे। अब ठीक है, अब नहीं होता है। तो अब मैं उसको ऐसे कैसे हैंडल कर रही हूँ कि अब मैं उससे मैनेज कर पा रही हूँ अच्छे से। तो अभी एक दो साल से ना कुछ तो मुझे अकल आई थी, तो मैं ऐसे तो कोई, मैंने किसी फिजिशियन को, किसी थेरेपिस्ट को ऐसे कंसल्ट नहीं किया, ठीक है। बट इंस्टाग्राम बाबा जिंदाबाद, उनके पेजेस फॉलो किए और कुछ कुछ कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं फॉलो कर रही थी। तो वहाँ से देख देख के ना मैंने काफ़ी अपने आप को डील करना शुरू किया अच्छे से एंड वही सेल्फ लव वगैरह। सेल्फ लव ऐसे तो नहीं आ जाता, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो वो क्या मेहनत होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स। आप अपने आप को ना जो डिनाई करते रहते हो ना डेली लाइफ में, अपनी रियलिटी को, अपने आप को, कि जो है उसको डिनाई करके जो नहीं है उसके पीछे भागना है, वो चीज़ वो ख़त्म करनी पड़ती है। तो हाँ, मैं आज तक ये चीज़ करती हूँ कभी कभी। मैं नहीं कह रही कि मैं भाभी बन गई हूँ, वो साधु बाबा होता है जो, वो बन गई, नहीं बनी हूँ। तो बस ये है कि मैंने अपना धीरे धीरे इमोशंस को जो डिनाई करना है ना वो छोड़ दिया है, कि अगर मुझे खुशी हो रही है बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर अगर मुझे दुख भी हो रहा है, मुझे कोई ऐसी फीलिंग आ रही है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से मुझे वो फीलिंग आ रही है, तो बाहर वाला कहेगा कि तू तो ज़्यादा पॉजिटिव है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। बट मैं वो चीज़ इसलिए ले आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो अब क्या ही कर लूँगी भाई, है ना। तो बस फिर जो भी इमोशन बुरा भी आता है ना, लाइक आज मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, चढ़ेगा मेरी ना ऐसे आत्मा तड़पने लग जाती कभी कभी गुस्से में, पर मैं कुछ किसी को कह ही नहीं सकती, है ना, कि अपने आप को लगता है छोड़ यार अगले पे क्या गुस्सा निकालना। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ गुस्से में कह जाऊँ या कर जाऊँ कि मुझे ही बाद में रिग्रेट हो। तो उस चीज़ को इसलिए मेरे को ना थोड़ा टाइम के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। मैं अकेले बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ, कभी गुस्सा चढ़े तो बेड बेड पीट लेती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इतने टेंट्रम्स नहीं फेंकती, पर हाँ करती ज़रूर हूँ ऐसी चीज़ें। तो गुस्सा हैंडल करने का ये तरीका है। प्यार आए तो फिर प्यार तो दुनिया में कहीं मर्जी वो कर लो,
ऊपर ही होता है कि ये भी सारी फीलिंग्स है, ये सब बाहर वालों के लिए नहीं होती, ये अपने लिए होती हैं। तो जो भी फीलिंग है ना, प्यार है, गुस्सा है, अगर दुख हो रहा है, दुख भी अपने अंदर ही है ना। तो अगर मैं बैठी हूँ, अगर मुझे कुछ सैडनेस भी फील हो रही है, आई लिटरली कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर इट। सपोज़ अगर ये मैं अपने बिजनेस की बात कर रही हूँ, एक दिन अच्छा चल रहा है मैं खुश हूँ, एक दिन अच्छा नहीं चल रहा ना, मैं बेड पे ऐसे लेटी पड़ी होती हूँ कि हे भगवान ये क्या हो गया है। बट अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं लिटरली क्लाइंट खींच के थोड़ी ले आऊँगी। तो फिर ये होता है कि बस बैठी रहो, जस्ट फील इट एंड लेट इट गो। द बेस्ट वे टू हैंडल योर इमोशंस इन डेली लाइफ इज जस्ट टू फील दैट टर्बुलेंस इनसाइड एंड लेट इट गो। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जब धीरे धीरे आती है, इतनी जल्दी तो नहीं आती, पर अगर आ जाए तो फिर तो लाइफ बन जाती है। मेरी बनी नहीं है, अभी नहीं आई इतनी समझ, पर आ रही है, और आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, और ये किसी को सिखाने के लिए नहीं बोल रही, ये सिर्फ मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ जज करने से पहले आप लोग को भी पता होगा आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो और ये सब, तो कोशिश करोगे खुद के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं करोगे तो मर्जी है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आपने ये थोड़ा बहुत आर्ट वाट भी सीख लिया हो यहाँ से बात करते करते, तो ट्राई आउट कर लेना, मज़ा आएगा। फ्लोरल्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, ये भी एक वे आउट है मेरे लिए। जब मुझे कुछ और नहीं समझ में आता, मैं यही पेंट ब्रश पकड़ के और पेंट्स पकड़ के कुछ कुछ बनाने लग जाती हूँ। सो आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई विल सी यू अगेन। बाय।